कैसी बीवी चाहिए तुम्हें बीवी चाहिए एकदम ऐसा फूल सब देखते हिंदू हो तुम समझो हमारे में अलाउड नहीं है कन्वर्ट होना पड़ जाएगा तुम्हें ना ना कोई दिक्कत ना जितना बड़ा दे लो मुझे लग रहा है दो तीन ही काम चला पाएंगे इसमें मिल चुकी है अभी तक ना मिली ना है पर है 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 प्रोसेस में है। अच्छा, प्रोसेस में है, प्रोसेस में अच्छा अब तुम बात कर रहे हो अपनी बाबू की ठीक है अब तुम्हारी बाबू खूबसूरत होगी सब कुछ होगी वो घर के काम तो करेगी नहीं क्या कर लेगी भाई करने वाली होगी निभाने वाली होगी तो हर तरीके से कर लेगी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है और सोचो उसने घर में निकर विक कर पैया वो गाने नहीं सुने मेरी बहू आए निक कर में तो अगर तुम्हारी घर में बहू नि में रही तो तुम्हारे घर वालों को इसको लेके क्या रिएक्शन होंगे कोई दिक्कत ना हो अगर ज्यादा रिएक्शन खराब होंगे तो दूसरा घर बना देंगे वहां घूम लेकर में नीचे तरीका में मतलब 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 तुम इस चीज के लिए रेडी हो कि कोई दिक्कत पूरा माइंडसेट कर लिया है हर तरीका से रेडी है जैसे रहना चाहो वैसे रहो आदमी अपने घर में अगर सुख चैन में और अपनी मर्जी से नहीं रह पा रहा तो काहे बात का घर तो ऐसे रहो कि जैसे रहना बस थोड़ा लिहाज कर लो बाहर निकलोगे तो तमीज में आओगे ना तो अपने जहा जहाँ जरूरत हो वहाँ वहाँ और घर वाले चिड़ गए तो इस बात पर घर वाले ने कहा मेरे दो तू भी निकल इस घर से अपनी बहू को लेके अब चढ़ जाएंगे तो लेकिन लेकर जाऊंगा कहीं भाई साहब अंकल अंटी देख रहे हो ना ध्यान से देखो तो भाई एक चीज़ और बताओ अब तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद जिंदगी बहुत हसीन होने वाली है मतलब जितने तुम एक्साइटेड लगते हो ना मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना शादी एक हवा लगती है कि भाई ड्रीम ड्रीम भाई रियलिटी जब शादी करोगे ना उसके बाद जिंदगी बहुत अलग है तुम्हें आ, क्या लगता है सर अरे ना भाई शादी तो बहुत ही अच्छी चीज़ है जब घर में सुंदर सी बहू हो ऊपर से उतर के आती हो छन छन करती हुई बढ़िया सी दो दो बालक हो घर में माँ बाप खुश रहते हो बहू से कोई कहता हो मृदुल की बहू आ गई है मृदुल के बालक घूम रहे बालक पढ़ते ना हो दो लगा बुद्धि दो पे इतनी एक्साइटमेंट है तुम रात को कैसे सोते हो अकेले सोते हो या मम्मी पापा के साथ सोते हो भाई मैं सोता अकेला बैड पर मैंने अपने बेड पे दूसरा तकिया भी लगा रखा एक बेड पे एक ही तकिया है दूसरा तकिया मैंने लगाया कुछ आ, दिन आ, एक पे मैं सोगा ठीक है आ, आ, अब दूसरा तकिया खाली अब मैं कई दिन सोचू मैंने की यार यहाँ पे कोई होगा को। मुंह मतलब घनी ज्यादा याद लगी तो मैंने दूसरा तकिया हटा दिया

भैया तुमने वो रील्स ही नहीं देखी क्या आजकल रील्स वायरल रहती है बेवफाई होगी लड़कियों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं लड़की ऐसी होती है लड़की ऐसी है, ये सब कभी देखा नहीं क्या अरे भाई जो लोग लड़कियों को उल्टा बोलते हैं ना मुझे तो वही सबसे ज्यादा खराब लग रहे होते हैं क्योंकि जो लड़के ये बोलते हैं ना कि भाई जो लड़की ऐसी वो लड़की ऐसी उनके लिए चार लड़कियाँ दुनिया में सबसे अच्छी होती हैं उनकी अपनी बहन अपनी मम्मी और अपनी दादी या फिर उनकी जो बाबू आएगी या बहू आएगी वो ऐसे लोग जो है ना वो मतलब सारी लड़कियों को गलत कह ही रहे होते बस उनकी नज़र में अपनी चार अच्छी हैं बाकी सब खराब है पर ऐसा नहीं है सारी अच्छी है तुम शायद गलत हो इसलिए दूसरे तुम्हारे साथ गलत कर रहे हो ऐसा भी तो हो सके भाई मतलब मेरे साथ तो सब अच्छे हैं तो इसलिए मेरे तो एक्सपीरियंस अच्छे ही हैं सबके साथ भाई तो ऐसा धोखा देने वाली न मुझे मिली खैर मैंने ढूंढने कोशिश ही ना करी तो सब अच्छा ही है भाई तो तुम जो शादी करोगे वो मम्मी की पसंद से तो करने वाले नहीं हो जिस हिसाब से मुझे हालात लग रहे हैं अब देखें मम्मी की पसंद मुझे पसंद आ गई तो पक्का कर लूंगा नहीं अच्छा, अपनी पसंद तो होगी अच्छा अपनी पसंद तो अपनी पसंद में कास्ट मैटर करेगी कि भाई मुझे ब्राह्मण ही लानी है या हिंदू ही लानी है या कुछ भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है बस लड़की पसंद आनी चाहिए क्या है भाई ना कोई जातिवाद देखना मुझे तो इतना मुझे तो यह कि जासू मन मिले लें वासू ब्याह करना हो बस तुम वेजिटेरियन हो ना हाँ मैं प्योर वेजिटेरियन भाई अच्छा अगर तुम्हारी बाबू नॉन वेजिटेरियन हुई तो तो कुल्ला करवा दूंगा <laughs> भाई कितनी बार रोज करवा दे करूँगा भाई साहब सोचा वैसे कभी सोचा वैसे आया भाई डो कभी थोट या तो भाई खाना मैं सीख जाऊंगा या वाकई छुड़वा दूंगा ये काम होएगा <laughs> चलो ठीक है तुम्हारी शादी हो गई सब कुछ हो गया लोग बाहर वाली भी रखते हैं तो तुम बाहर वाली रखोगे कभी ना ना भाई मैं तो देखो एक चीज बताता हूँ कि जब तक आपका मन हर किसी को देख के ऐसा लग रहा है ना यू भी सुंदर है या हर किसी पे आ जाए ये लड़की भी सुंदर है वो लड़की भी सुंदर है तो तब तक तो भाई मत करो ना भाई कोई जित तो ना कर रहा कि भाई शादी कर लो मुझसे जब तक अगर तुम्हारा मन हर दिन किसी और पे आ रहा है तो शादी मत करो लेकिन अगर एक बार किसी से शादी कर लो तो दुनिया में सबसे खूबसूरत चेहरा तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी का ही होना चाहिए यू है भाई तो वाली रखने का मैटर है नहीं अच्छा तुम घर वाली इतनी अच्छी लिया हो कि भारवाड़ी का मन ही ना करे अगर बीवी तुम्हें किसी ऐसी लड़की पे दिल आ गया जो खूबसूरत ना हो उसका दिल खूबसूरत हो फिर तो जब मेरा ही दिल आएगा तो फिर मुझे दिक्कत ही क्या होगी फिर तो कर ही लेंगे ना मतलब कह कहते वो तो वही वाली बात है अब तो मेरे लिए वो परी है बस वही परी है चाहे गधी हो फिर भी परी है जब दिल आया गधी पे तो परी, भी तो तो क्या चीज, चीज है ना बहुत बहुत जब मेरे ही दिल आ जाएगा तो फिर क्या दिक्कत है सही बात है भाई अब शादी इतनी अच्छी चीज तुमने बता दी सब कुछ फायदे बता दिए जल्दी करने की क्या चिल्ला है यार सत्ताइस अट्ठाईस में करनी चाहिए आज के टाइम में तुम जैसे दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में रह रहे हो यहाँ पे था 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 वाकी तो शादी है है वाकई वाकई भी भी एक है भाई, वाकी भी एक वजह वजह भाई अब जैसे मैं कह रहा अट्ठाइस किसी भी इंसान का नहीं पता कि कब होएगा और कब मर जाएगा ठीक है कुछ नहीं पता नहीं। नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक उम्र मान लो कि एक इंसान सत्तर साल जिएगा ठीक है अब अगर मैं तीस पे शादी करता हूं तो मैं कितने साल रहूंगा उसके साथ चालीस साल ठीक है और अगर मैं पच्चीस पकड़ लेता मैं बीस पकड़ लेता हूं तो मैं कितने साथ रहूंगा उसके साथ पैंतालीस साल

फिर उसका कोई दिक्कत आपके होते हुए भी हो रही है तो गलती आपकी है तो इसलिए अगर किसी को अपने घर में लेके आ जाओ तो किसी की भी लौंडिया तुम्हारे घर में दुखी नहीं रहनी चाहिए तुम चाहे किसी के भी खिलाफ जाओ पर भाई बाबू खुश रहनी चाहिए चलो अब इसी पे एक और मेरा बहुत मस्त सवाल है हाँ। जिसमें लोग दुनिया बहुत सफर कर रही है भाई अगर भाभी माँ से छोड़ो

मैं उनसे मिला मैंने कि भाई यार आप ना इस मतलब अच्छा एक चीज़ और जुता हूँ कि मेरी जिंदगी में मैं शायद ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ या मुझे मिलते ही ऐसे जिनका बहुत बढ़िया चल रहा है ठीक है तो मैं थोड़ा और इंस्पायर हो तो जाता तो हूँ मतलब मेरे टारगेट बढ़ जाते हैं कि भाई शादी करने के चांस और बढ़ गए ठीक है, है? तो मैंने उससे पूछा कि भाई

बात में तो दम है भाई बात में दम है बाबू ये अपनी दोस्त बना ली ना अच्छा एक चीज़ बताओ तुमने आजकल देखा आजकल की बहुएं आते सिगरेट पीने वाली दारू पीने वाली तुमने सोचा कभी तुम्हारी बाबू भी सिगरेट पी रही हो दारू पी रही हो हुक्का पी रही हो क्लब जा रही हो फिर तुम्हारा क्या होगा फिर तुम्हारे मैं का मैं देख के लाऊंगा ऐसा थोड़ा की राह चलते किसी उठा लाऊंगा तो पहले देखूंगा अगर होगी तो भैया तू एक काम कर पीर पी रहे हो क्यों आएगी अरे ना पता लगे तुम्हें शादी के बाद हो बताए तुम्हें फिर फिर जानना है मुझे तो वह में भी एक ही इलाज है क्या? या तो खुद सीख जाऊंगा छुड़वा दूंगा भाई <laughs> लड़ने का कोई फायदा नहीं है अगर ब्याह होगा है तो फिर वहाँ के बाद ये डिवोर्स डिबोर्स ये सब चीजें बेकार है अच्छा एक चीज बताओ आप एक लड़का पढ़ा लिखा है एक लड़की खूब पढ़ी लिखी है मेरे हिसाब से ज्यादा शादी के बाद ना दिमाग नहीं लगाना चाहिए फालतू का लड़का खूब पढ़ा लिखा है लड़की खूब पढ़ी लिखी है लेकिन उन्होंने अपना ज्यादा दिमाग चला चला के छह सात महीने में अपना ब्रेकअप कर लिया और डिवोर्स डिवॉर्स ले लिया तो क्या फायदा है इसी पढ़ाई का क्या फायदा इसी समझदारी का उससे अच्छा तो हमारे गाँव में जो बाबा दादी है जिन्होंने बिना दिमाग चलाए पचप साल अपनी गैल काट लिए वे ज्यादा बेहतर है ना उसको तो इसलिए शादी के बाद ज्यादा दिमाग नहीं चलाना चाहिए जो है वहां में सुख ढूंढो और मौज की जिंदगी जियो भाई